हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करेंगे हेलो फॉर्म रिएक्शंस के बारे में। हेलो हेलो इज नथिंग, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलोजन एंड फॉर्म इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फॉर्म रिएक्शन वो होते हैं जब हमारा कोई भी एसिटाल्डिहाइड और मिथाइल ग्रुप रिएक्ट करता है हेलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, और इट विल फॉर्म अ हेलोजन। क्या फॉर्म करेगा? एक हेलोजन फॉर्म करेगा। तो इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर मिथाइल कीटोन एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। जब हम इसको Br2 एक हेलोजन और एल्कली एल्कली मैंने यहाँ पर लिया है NaOH, इसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें फाइनली क्या मिलता है? एक ब्रोमो फॉर्म मिलता है। ब्रोमो फॉर्म हमें यहाँ पे मिलता है, ये आपका ब्रोमो फॉर्म है। अब इस रिएक्शन को समझने के लिए एक बेसिक चीज़ हम समझते हैं। किसी भी हेलो फॉर्म रिएक्शन को करवाने के लिए आपका COCH3 ग्रुप की प्रेजेंस होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर ये ग्रुप आपका कहीं पर एब्सेंट होगा, किसी का रिएक्टेंट में अगर एब्सेंट होगा, तो आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब मैंने आप पे आप बात करी मिथाइल कीटोन की, तो यहाँ पर भी आपका COCH3 ग्रुप जो है प्रेजेंट है। अगर COCH3 ग्रुप जो है पहली नेसेसिटी है किसी भी रिएक्टेंट के अंदर हेलो फॉर्म रिएक्शन को करवाने के लिए। हेलो फॉर्म रिएक्शन जो जैसे आपका यहाँ पर ब्रोमो फॉर्म बना, इसी तरीके से आपका क्लोरोफॉर्म और आयडो फॉर्म भी पॉसिबल है। तो चलिए इसके बारे में आगे देखेंगे। फिर इसके बारे में बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसी भी हेलो फॉर्म रिएक्शंस के बारे में। हम यहाँ पर हेलो फॉर्म की जगह ब्रोमो फॉर्म को समझेंगे। ब्रोमो फॉर्म समझना आसान होगा हमारे लिए क्योंकि हम हेलो हेलो को ना बोलकर ब्रोमो वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि हम हेलोजन यहाँ पर ब्रोमीन ले रहे हैं, ब्रोमीन एज हेलोजन ले रहे। तो वही आपका सेम पहले वाला रिएक्शन है। हमने यहाँ पर एक मिथाइल कीटोन लिया है Br2 और NaOH एल्कली की प्रेजेंस में। तो पहले स्टेप में आपका अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय दिस Br। ये समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है। तो कार्बनल कार्बन से जो आपका डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ये आपका हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो फर्स्ट स्टेप में आपका Br2 मीन्स हेलोजन रिप्लेस कर देगा अल्फा हाइड्रोजन को और फॉर्म करेगा अल्फा अल्फा ट्राई ब्रोमो कीटोन। मीन्स यहाँ पर तीन ब्रोमीन मॉलिक्यूल अटैच हो गए इन प्लेस ऑफ दैट अल्फा हाइड्रोजन, और H2O एंड NaBr साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका? जो फर्स्ट स्टेप में आपका प्रोडक्ट बना अल्फा अल्फा ट्राई एल्काइल कीटोन मॉलिक्यूल, आपका NaOH की प्रेजेंस में क्लीव करेगा फ्रॉम दिस पार्ट। क्लीव कैसे करेगा? ब्रेक कैसे होगा? ये आपका यहाँ से आपका H+ एंड NaONa- एस इस फॉर्म में ब्रेक होगा। तो जो आपका H+ होगा आपका पॉजिटिव, ये पार्ट आपका इसके साथ जाके अटैच होगा, और O- आपका सेकेंड वाले पार्ट के साथ अटैच होगा और फॉर्म करेगा RC डबल बॉन्ड O- Na+, और साथ में बी ब्रोमो फॉर्म। ब्रोमो फॉर्म ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए हमने पूरा रिएक्शन कराया है। तो आपका ब्रोमो फॉर्म फॉर्म हुआ इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद। इसी तरीके से इस रिएक्शन की कुछ खासियत के बारे में बात करें तो एक हेलो फॉर्म रिएक्शन है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। किसके लिए? फॉर टू चेक द प्रेजेंस ऑफ COCH3 ग्रुप। क्योंकि जब मैंने रिएक्शन को शुरू करा था तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हेलो फॉर्म रिएक्शन करवाने के लिए COCH3 ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन योर रिएक्टेंट। सेकेंड पॉइंट की बात करें, जब हम लैब स्केल पे बात कर रहे हैं तो हम मोर फ्रीक्वेंटली आयडो फॉर्म रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमो फॉर्म नहीं करते। इसका रीज़न ये होता है आयडो फॉर्म जो है आपका येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है इन लैब स्केल। जब हम लैब में बात करते हैं तो एक येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, जबकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमो फॉर्म लिक्विड नेचर के होते हैं। अब जब हम लैब स्केल पे काम कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट को, और वो भी येलो कलर के प्रेसिपिटेट को, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, विजुअली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हम आयडो फॉर्म को प्रेफर करते हैं लैब स्केल पर। और क्लोरोफॉर्म आप पहले भी देख चुके हो कि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमो फॉर्म CHCl3 और सिमिलरली CHBr3, और आपका आयडो फॉर्म होगा CHI3। तो आपके जो पहले दो हैं आपके वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए लैब स्केल पर इनके टेस्ट करने पॉसिबल इतने इजी नहीं होते जितने आपका आयडो फॉर्म इजी है। इसके बाद देखिए कीटोन्स और एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड जो आपके मोर फ्रीक्वेंटली आयडो फॉर्म या कोई भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है।
अगर COCH3 ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। हैलोफॉर्म रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल इन केस इफ यू डोंट हैव COCH3 ग्रुप। इसके बाद बात करें कि हैलोफॉर्म रिएक्शन जो है एक इथाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल भी देगा। इथाइल अल्कोहल का अगर मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं, इथाइल अल्कोहल का एक सेकेंड, इथाइल अल्कोहल हो गया आपका C2H5 मीन CH3 CH2 एंड OH, ये आपका हो गया इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे आपका ये कंपाउंड है आपके पास। तो इसका अगर मैं रिएक्शन के बाद, इसके बाद बात करते हैं कि कोई भी इथाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल है, इट विल गिव अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। कोई भी इथाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल डायरेक्टली आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका COCH3 ग्रुप जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी हैलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन को करवाने के लिए, वो प्रेजेंट नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, इथाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना होगा, इसका। तो अगर मैं यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता हूँ तो हमें मिलेगा एसीटैल्डिहाइड। अब एसीटैल्डिहाइड जो आपका ग्रुप है, कंपाउंड है, उसके अंदर आपका COCH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है एसीटैल्डिहाइड का। तो ये जो ग्रुप है आपका COCH3 ग्रुप, ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी आयोडोफॉर्म रिएक्शन या हेलोफॉर्म रिएक्शन को करवाने के लिए। तो जब इथाइल अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं और चेंज होता है एसीटैल्डिहाइड में, अब ऑक्सीडेशन होने के बाद ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म रिएक्शन इजिली दे सकता है। ऐसे जब मैं सेकेंडरी अल्कोहल की बात करता हूँ, जब उसके ऑक्सीडेशन कराने पे मुझे मिलता है मिथाइल कीटोन, जो है उस केस में भी आपका COCH3 ग्रुप जो है, ये ऐसा ही एक ग्रुप जो हो COCH3 ग्रुप आपका मिथाइल कीटोन के केस में भी प्रेजेंट होता है और आपका हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन इजीली पॉसिबल है। तो इथाइल अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल भी आपका पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन और अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट भी चेंज होने के बाद। फाइनली बात करें हम हेलोफॉर्म रिएक्शन से, हेलोफॉर्म टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मिथाइल कीटोन और अदर कीटोन में। कैसे, जैसे मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ कि ये है आपका एक मिथाइल कीटोन, यहाँ पे आपका COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है। फिर से COCH3 ग्रुप जो है आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन को करवाने के लिए, तो COCH3 ग्रुप की प्रेजेंस में आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन होगा और यहाँ पर आपके येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। और उसी ऑन द अदर हैंड जब हम किसी ऐसे कीटोन के बारे में बात करें जहाँ पे आपका मिथाइल कीटोन एबसेंट है, मीन मिथाइल आपके टर्मिनल पोजीशन पर नहीं है, तो उस केस में आपका कोई भी हैलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किसी मिथाइल कीटोन को और ऐसे कीटोन अदर देन मिथाइल कीटोन को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द फॉर्म ऑफ आयोडोफॉर्म और हैलोफॉर्म रिएक्शंस। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हैलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में ऑल सारी डिटेल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके डाउट आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं जल्दी आपके डाउट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ऐसी और ज़्यादा वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।